नमस्कार। तो आज आप हम रेल विकास निगम स्टॉक के ऊपर बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। रेल विकास निगम की बात की जाए तो स्टॉक के अंदर आज यहाँ पे काफ़ी गैप डाउन से ओपनिंग देखने को मिले। गैप डाउन से ओपन होते ही तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 से 5% की गिरावट हो चुकी है। किस वजह से गिरावट हो चुकी है? क्योंकि कंपनी को क्वार्टर के नतीजे कल आए थे, Q2 यानी कि सेप्टेम्बर क्वार्टर के, जिसमें कंपनी को प्रॉफिट जो है वो 303 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 303 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि ईयर ऑन ईयर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर स्टॉक के अंदर प्रॉफिट के अंदर गिरावट हो जाएगी, क्योंकि पिछले सितंबर क्वार्टर में जो प्रॉफिट था वो 370 करोड़ का प्रॉफिट था, इस क्वार्टर में 303 मीन्स गिरावट देखने को मिले। एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखोगे तो प्रॉफिट इंप्रूव हो चुका है, पर ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में गिरावट आई है, जिस वजह से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है रेल विकास निगम स्टॉक के अंदर। सेल्स यहाँ पे आप देख सकते काफ़ी ज़्यादा थे, पर एक्सपेंसेस भी काफ़ी ज़्यादा नजर आई स्टॉक के अंदर।